मुझे नहीं करनी है शादी। तैमूर, तैमूर, ये क्या कह रहे हो तुम? तैमूर, फिंजा, ये क्या तमाशा है भाई? अरे कुछ मुझे भी तो पता चले। खानदानी लोग हैं भाई हम, हमारी कोई इज्जत नहीं है। माना कि हम गरीब हैं, मगर कम जात नहीं है। कैसे तुम्हारा देवर ठुकरा के चला गया? अरे अगर लड़का राजी नहीं था तो क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की? आवाज ना नीचे रखकर बात करें मुझसे। जो कुछ भी हो रहा है ना आपके सामने हो रहा है। मुझे ताने देना ना जेब नहीं देता आपको। अच्छा क्यों नहीं जेब देता भाई? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये इज्जतदार होने का ड्रामा मेरे सामने मत कीजिएगा। इज्जतदार लोग ना सौदेबाजियां नहीं करते। तुम्हारी तरह अपनी बेटियां नहीं बेचते। और इतना पछता रही हो ना? वो रहा दरवाजा खुला। उठाओ अपनी भांजी को लेकर जाओ यहां से। मेरे देवर को ना लड़कियों की कमी नहीं है। आज के बाद मुझे ब्लैकमेल मत करना। जाओ यहां से, देखने दो मुझे। अगर पैसों की जरूरत ना होती मुझे तो फिर बताती मैं। अरे मैंने आपको कहा था ना, हमारा कोई जोड़ नहीं लोगों के साथ। अरे क्या तू पागल हो गई है? क्यों जोड़ नहीं है हमारा? किंजा का जोड़ था, वो भी हमारी खानदान की थी। उसकी शादी होगी कि नहीं इनके साथ? चुप रह, आती है मुझे बात करनी। अरे खाए छोड़ो तो सही। खाला आपको अपनी मरी हुई बहन का वास्ता है, मेरी माँ का वास्ता है। आप प्लीज घर चले, हमें कुछ नहीं, हमें नहीं निकाह वगैरह करना, हम घर जाएंगे। अरे बेवकूफ हो गई है लड़की, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इज्जतदार लोग हैं हम, और मैंने वहां जुबान दी है, और इज्जतदार लोगों की एक जबान ही तो होती है। मैं अपनी जबान से फिरने वाली नहीं हूँ। आपको क्यों समझ नहीं आती? इन अमीर लोगों में हम नहीं बैठ सकते। तैमूर ने निकाह से ना कर दी है। अल्लाह का वास्ता मुझे मस्जिद जलील मत करवाए, मुझे घर ले जाए, मुझे शादी नहीं करनी। बस कर दो, बस कर दो। तुम क्या समझती हो अपने आप को? दो लफ्ज मुझसे ज्यादा पढ़ गई हो तो तुम अकलमंद होने लगी। इतना समझाया तुम्हें लेकिन ना भाई ना, मुर्गे की एक ही टांग है ना। खाला मैं पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी, मैं आपकी नौकर बन के रहूंगी, मैं आपकी खिदमत करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, हम घर चलते हैं, मुझे नहीं करनी है शादी। बस बंद कर दो ये ड्रामे। साफ बता रही हूँ तुम्हें कि अब मैं तुम्हें अपने घर एक दिन के लिए भी नहीं रख सकती।